ये ऊपर आते हैं, हाँ ये सही बात है, ये ऊपर आते हैं हमें खुशी होती है। अभी नई फैक्ट्री डाले, मतलब इसराइल ले गया, मतलब वहाँ पर लंच था पार्टी, लेकिन 16 से मतलब आ गए यहाँ पर ड्राइवर, लेकिन थोड़ा लेट हो गए, मतलब ये अपना ये है बस। और क्या बोले, आज के दौर में ऐसे दोस्त नहीं, जलसी होती है एक दूसरे के, मतलब ये नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ उल्टा मुझे ये नहीं, आज वर्किंग डे इसलिए कोई आया नहीं ज़्यादा, नहीं तो काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेशन था ज़्यादा लोग और लोग आने का। थैंक यू, थैंक यू। जी सर, आप कुछ कहेंगे सर? हाँ सर, गुड इवनिंग। आज हमारा एल्बम की दिवाले मरते हैं, और ख़ासकर लेसी सर का मानना है कि एक एज के बाद समाज आज सर की एज है 71, लोग 71 लोगों को मानना है कि कम से कम जो एज वाले हैं समाज पे और देश पे ना बोझ ना हो, तो इन्होंने शुरुआत की स्टार्ट से बिगनिंग से कि समाज के लिए या इंडस्ट्री के लिए कुछ कर जाएं, तो ये क्या करते हैं कि जब नए लोग जो कुछ करना चाहते हैं, चाहे म्यूजिक में हो जाएं, लिरिक्स में हो जाएं, या डायरेक्शन में हो जाएं, एक्टिंग में, तो उनको सबको सपोर्ट कर रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा क्रेडिट आज के डेट में जो म्यूजिक डायरेक्टर है प्रबुल सुतरवा, जो आपने हम सब मिलकर उनके गाने सुन के बड़े हुए, तो बहुत बड़े अरेंजर हैं, परदेश है, राग है, मतलब बड़ी फिल्म है एकदम, बाजीगर है, मतलब इतने हिट फिल्में की उन्होंने, वो एक्सपायर होने के बाद भी इन्होंने और कई लाखों रुपए, 10 लाख रुपए खर्च करके इनका गानों को डेडिकेट करने के लिए इन्होंने किया कि नहीं वो मर गए फास्ट, लेकिन उनके लिए मैं कुछ करते, वरना वो गाना जाने के बाद भी वो नहीं करते, फिर से स्टार्ट से कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। आज हमारे लिए और लोगों के लिए जो सर कर रहे हो अनबिलीवेबल, शायद ही कोई इनके लिए करे, जो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पहचान में नहीं है, फिर भी ये घर तक आते हैं, बोले कि नहीं तेरे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। तो म्यूजिक भी आया और आपने सबने गाना देखा है, बाकी का आपकी फीडबैक की वो गाना कैसा लगा? ये बोल के नहीं, ऐसे सब मेरे फ्रेंड लोग में ये हेल्पिंग नेचर है, मतलब काफ़ी हेल्प करते हैं, हम भी चाहते हैं मतलब अगर इससे अच्छा हो जाए और गाना बने, मतलब कुछ चैरिटीज़ कुछ अच्छा ही करे, नहीं तो हम तो देखो अच्छा पेंशन मिलता है कनाडा में आराम से, मतलब ये करके इस तरह इसी तरह चला जाए, नहीं वो नहीं करना है, अपनी कुछ करना है, मतलब अभी भी स्पोर्ट्स में हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, माइंड स्पेस जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, घर में बड़े बड़े डंबल खरीदे वो भी करता हूँ, सब करके मैं फिट रहता हूँ बस। आर्मी में बॉक्सर रह चुका हूँ मैं, आज भी प्रैक्टिस करता हूँ डंबल के साथ बॉक्सिंग। आपको जो लगता है इसके अपने हिसाब से फीडबैक दीजिए, एक बार गाना फिर से प्रीव्यू करेंगे और फिर देखिए आप कैसा लगा। A बहुत ही ऑनेस्ट डेडिकेटेड और इनोसेंट पर्सन, जो भी आपको दिखेगा इनके गाने काम में वो उनका कैसा दिल है वो झलक है, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फ्यूचर प्लान्स क्या है और भी गाने क्या? अभी तो देखो जाऊँगा मैं, 22 की मेरी फ्लाइट है, फिर दिवाली के पहले आऊँगा, फिर नए गाने काफ़ी मुझे दिए अच्छे अच्छे ट्यून्स, मैं इनसे पूछता हूँ राह देता हूँ कौन से ट्यून कौन सा करना है, फिर इसे म्यूजिक ये करके फिर वीडियो बना के फिर आगे और करेंगे। एल्बम की बात है या फिल्मों में कुछ करेंगे? देखो जैसे चांस मिला तो देखो मैं अमिताभ बच्चन का आवाज़ निकालता हूँ, वो तो वो बोलता ना नेचुरल है एकदम, जैसे वो अभी आपको सुना, और किणी मारे पिचकारे तोर भीगी अंगिया और रंग रसिया रंग रस और होलिया, ऐसा मतलब फॉल्सेटो में कुछ भी गा लेता हूँ मैं, सॉफ्ट वॉइस भी निकालता हूँ ये भी निकालता हूँ। ये अच्छे कैसे हुआ, इनके बर्थडे में मैंने गाना गाया उधर पे, वहाँ तो ऑलरेडी म्यूजिशियन थे कैरोकी में गा रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने जाके उधर बात की उधर पे और मुझे अंदर से ले गया, बोला उनको रोक के पैसे दिए उनको, मतलब ये दोस्ती चल रही थी वो गाना, तो वो गाना मैंने मेरे ग्लासेस वगैरह डाल दिया, वो लिरिक्स दिखा रहा है मुझे और मैंने गा लिया, मतलब तो बहुत खुश हो गया, मतलब दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना, ऐसा मतलब ये हो गया। उसके बाद में बर्थडे गाना गाया उनका, वो एक बच्ची थी छोटी, वो अंकल बोला वो गा रहे थे, बोला नहीं अंकल आप गाएंगे आप गाएंगे, तो गाया भी केक वेक डाला मेरे, और वहीं से स्टार्ट हो गई, वहीं से स्टार्ट हुआ ये जर्नी, मतलब नहीं तो मैं करने वाला नहीं था, मैं तो इनके यहाँ फैक्ट्री जाऊँ, इनके बॉम्बे ऑफिस में इधर जाके अपना इनके इधर सब जगह जाके अपना टाइम पास करता, मतलब
एक ऐसी मतलब मैं तो कुछ सीखा नहीं, सारे गाँव मुझे आता ही नहीं कुछ भी, लेकिन ट्यून लैंग्वेज बहुत जल्दी पकड़ लें, जैसे वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज सीख गया मतलब इतना जल्दी, मेरे घर वाले मुझसे पहले से लेकिन बोल नहीं सकते। हाँ अभी थोड़ा स्पेनिश सीख रहा हूँ और इंग्लिश तो बात ही करते ही हम, बस इसी तरह मतलब आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप सहयोग कर रहे मतलब आगे बढ़ाएंगे, हमें लोगों का प्यार चाहिए बस उसी के लिए कर रहे हैं, और लोगों को वापस देना है हमें, हमें लेना नहीं है कुछ भी, कि हम लेके क्या करेंगे सुबह में, ना तो पीते हैं ना कुछ, नहीं जाके बैठ के एक सूप पी लिया बस अपना टाइम पास हो जाता है, थोड़ा बहुत ये लाइट खा के ये होता है, शाम को बहुत कम खाते हैं, और भी डाइटिंग कर रहा हूँ, अभी अगले साल आऊँगा पहले सबसे पहले जिम ज्वाइन करूँगा, वहाँ पर मतलब जिम तो बहुत बड़े होते हैं, जाके थोड़ा मसल बना के आऊँगा ताकि कुछ हार्ट अटैक नहीं हो जाए मुझे सवाल ये करके मतलब। सर ये गाना कहाँ देख पाएंगे लोग? सर ट्राई कर रहे हैं कि किसी अच्छी म्यूजिक कंपनी में आ जाएँ, नहीं तो सर का खुद का चैनल है LM यूनिवर्सल म्यूजिक, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि अच्छी बड़ी कंपनी में आ जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। बात चल रही कुछ हो रहा है? हाँ बात चल रही है, तो एक दिन में फीडबैक मिलेगा, सबमिट किया। अभी आज लॉन्च कर रहे हैं, ये भी देख नहीं पाएंगे लोग? ये आज नहीं, कुछ दिनों में देख पाएंगे सर वो जल्दी। और अभी एक बार गाना फिर से प्रीव्यू कर रहे हैं, एक बार अपने सारे फीडबैक दीजिए कि कैसा लगता है। और सर हमारे कुछ खास मित्र हैं, मतलब कि बहुत खास है टीवी इंडस्ट्री के, प्लीज बोले कि आइए आइए, हाँ इनका एक बार फीडबैक दीजिए, ठीक है? आइए फीडबैक लीजिए। ये सुरभि भट्टाचार्य बड़ी इंडस्ट्री के टीवी आर्टिस्ट हैं। ओके जी सुरभि जी, मैम बताइए। मेरा नाम श्रुति भट्टाचार्य है, मैं सीरियल मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ कमर्शियल ऐड की है, कल्याण ज्वेलर्स, KBC, कैडबरी चॉकलेट, सुभाष घई जी की मूवी की है साइकिल की, गोविंदा जी के साथ मूवी की राजा भैया, और भी बहुत सारे अलग अलग किरदार सीरियल्स में निभाए, और मैं लेखिका भी हूँ, मेरी गज़ल की किताब पब्लिश हो चुकी है। और सबसे पहली बात तो आप सबको बहुत बधाई, और मुझे इतना अच्छा लगा है, अभी एल्बम में बैठ के देख रही थी, सर का आमंत्रण आया था मेरे पास, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या लगी वो मैं बताना चाहूँगी। फ्रेमिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जो भी वो चीज़ पिक्चराइज करते हैं वो एक कॉन्सेप्ट में गुथी हुई होती है, और सबसे बड़ी बात ग्रेट इसमें बहुत अच्छा दिखता है, ए ग्रेट, ए से भी अच्छा क्वालिटी, मतलब मुझे वल्गर शब्द का दूर दूर तक अता पता नहीं है इसमें, तो वो जो एक क्वालिटी और जो चीज़ें इन्होंने प्रेजेंट की है वो इतनी ज़्यादा प्रभावित करती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो एक लड़कियों का जो अभी गोले में डांस कर रही हैं और बीच में मेनली इतना खूबसूरत, और वो पहाड़ों पे एक एक विज़न सर का इतना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा एल्बम, और इतना अच्छा गाया है आपने और इतना अच्छा प्रेजेंट किया है। जी मैंने गज़ल, अब मैं शेर सुना देती हूँ आपको, ताज्जुब है वो दूर जाते नहीं है, ताज्जुब है वो दूर जाते नहीं है, जो मिलने कभी हमसे आते नहीं है, जो मिलने कभी हमसे आते नहीं है, चलो जुगनुओं को ही कैदी बना लें, चलो जुगनुओं को ही कैदी बना लें, सितारे तो मुट्ठी में आते नहीं है। सियासत पे है थोड़ा सा, बोल्ड है, अगर आप बोल्ड है बोल सकते हैं, कोई टेंशन तो नहीं है उसमें, नहीं नहीं मोदी। हवा जिस वक्त हल्की हो गई, हवा जिस वक्त हल्की हो गई थी, चरागों को तसल्ली हो गई थी, चरागों को तसल्ली हो गई थी, तवायफ से बुरी निकली सियासत, तवायफ से बुरी निकली सियासत, भरी महफिल में नंगी हो गई। बहुत सारी बात आई सर, एक गाने का कौन सी गाने या फिर देखो, एक तो मुझे थोड़ा सा मतलब एक गंतरा गया उसमें, उसके बाद में मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ सीरियल बनाया उसमें कुछ गाया, ऐसा भी होता है, और करामाती जो अनु क्या नाम था उसका, बानिया गोइंका ने किया था, उसमें डब किया, फिर चला गया कनाडा, उसके बाद में 22 साल के बाद में आया वापस, 65 के बाद रिटायरमेंट लेके आ गया, आने के बाद में बस फिर से ये लोग आए एयरपोर्ट में मुझे रिसीव कर रहे, हमेशा आते जाते हैं सब फ्रेंड्स लोग मुझे, अभी 22 तारीख की मेरी फ़्लाइट है, सोचा 8-10 गाने करने का सोचा था, लेकिन
अभी थोड़ा सा ये हो गया, अभी आऊँगा अक्टूबर में फिर से एंड में, फिर काफ़ी गाने करूँगा और वीडियो बनाऊँगी, ये करूँगा उसको कंटिन्यू रखने के लिए। आई होप ये सभी को पसंद आए और अच्छा फीडबैक मिल जाए, कोई कंपनी या किधर भी अच्छा हो जाए तो मैं करते रहूँगा इसी तरह। और शंकर ये मतलब काफ़ी हमारा टीम एक है, लोकेशन सब मिलता है, हम दोस्तों में ये सब करते हैं हमारे लिए, और हम बस इसी तरह से मतलब आप लोगों को अच्छे गाने अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। गाने के बारे में एक गाना है दिलवाले जो है दिलवाले मरते हैं, वो तो जेनिफर लोपेज जो है हॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार है, तो उसमें इसके लिए रैप एक बच्चे ने लिखा डिजी गोगोई ने, और उसको मैंने गा लिया। रवि बिस्नेट बोल के अभी उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, चला गया किधर चुनला, उसने लिखा गाना लिखा, और ताबुंदा म्यूजिक डायरेक्टर है जिसने क्या नाम है अपना ये क्या नाम सिंगर कौन था जिसको सोनू निगम, हाँ सोनू निगम को सबसे पहला ब्रेक दिया। तो एक वारी या तुझे सारे ड्रेस से दिलाऊं, तेरी फिगर जेलो जैसे जिसको मैं पास से लाऊं और थोड़ा सताऊं और धीरे धीरे होले होले तेरी बाहों में समाऊं। वो एक हो गया रैप है, दिलवाले गाना वेख के तेरो मुंडे ठंडी आहे भरते हैं, वेख के तेरो मुंडे ठंडी आहे भरते हैं, तेरे जेलो जैसे फिगर पे, तेरे जेलो जैसे फिगर पे दिल वाले मरते हैं, मरते हैं मरते हैं दिल वाले मरते हैं। ऐसी गालियाँ उसके लेवल में पता नहीं मुझे। तब उनका तो गुजर गए तो मेरे ट्रैक्स भी उसके साथ में चले गए, तो मुझे उसको ओपन करने का मिक्स ट्रैक मिल गया, जो खाना में मसाला मतलब खाली ऐड कर सकते हैं, मतलब उसमें से कोई निकाल नहीं सकते हैं, अलग से ट्रैक नहीं मिले, सब ट्रैक भी सब चले गए, तो अभी पता नहीं किस क्या कर रहे। तो बाद में हमने उसी इसके ऊपर गा के किसी तरह मतलब रिलीज़ किए, अगर नया बनाने जाओ तो फिर से लाखों रुपये पैसे काफ़ी पैसा लग जाए ना, तो उसी ट्रैक पे किसी तरह गा के मैंने कंप्लीट कर दिया प्रोजेक्ट दो गाने। इंडिया में आपको सहयोग किसने दिया, किसने आपको सपोर्ट किया? सपोर्ट ही गाने के लिए ये बैठे हैं, अभी ये खाएगा दाढ़ी वाला हाँ हितेश जैन जो मेन हमारा है, ये और एक मतलब और एक फ्रेंड है मतलब वहाँ कुछ आ नहीं पाए, अभी एक आएगा अभी फ्रेंड, वो मतलब ये सब मेन ही है मतलब। हमारे हम लोग आज 50 साल से फ्रेंड्स हैं, और जब ये इंडिया में रहते थे तो हम साथ में ही रहते थे और साथ में ही खूब इंजॉय करते थे, क्योंकि सब लोग इतने हंसमुख थे और ऊपर से गॉड गिफ्ट था सबको, और सब लोग बैठते थे तो 8 घंटा भी पता नहीं चलता था कहाँ चले गए, सब लोग काम पे जाते थे 12 घंटा काम करके भी रात को 4 बजे तक हम लोग कैरम खेलते थे, फिर गायकी वगैरह में शौक सबको था सुनने का, कोई को तो लेजली को गाने का शौक था, तो एक जुनून था। तो जब सुना मैंने तो इनको कहा कि लेजली तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम इसमें आगे बढ़ो, तो इन्होंने पैसे बहुत उसमें गलत लोगों से मुलाकात हुई उसमें पैसे चले गए, मेहनत की और आज ईश्वर की कृपा से जो तोहफा मिला है वो ऊपर वाले की ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी। जी सर आप बस मैं यही कहूँगा कि हमारे मित्र है लेजली, हम लोग आज 40 साल से मतलब साथ में है, और 40 साल ज़्यादा ही हुआ होगा, और इनको बहुत शौक था गाना गाने का, और आज मुझे ये खुशी हो रहा है कि आज इनका एल्बम मतलब रिलीज़ हो रहा है और बहुत अच्छा इन्होंने गाया। मैं बस इनको आगे का फ्यूचर के लिए मतलब शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, बस यही मेरा मतलब इनके लिए एक मतलब एक अच्छा वर्ड रहेगा कि हमारे दोस्तों में से मतलब एकदम आगे बढ़ गया लेजली भाई। मैं इतना ही जी सर मेरा तो बचपन का दोस्त है यकीन नहीं आ रहा है इस वक्त और आज के बीच कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, म्यूजिक वीडियो बना रहा है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आई ओनली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। जी मैम यस गुड इवनिंग, मेरा नाम है रूपा,
फ्रॉम गोवा, बट मैं मुंबई में 12 साल हो गई अभी. बॉलीवुड सब जो गाना जो क्या है सब मैं अभी मेरा कंटिन्यू चालू है. देन सबसे पहले मैं मीडिया वालों को गुड इवनिंग कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके वजह से हम हैं और हमारा जो जो इधर क्या क्या हो रहा है वो सब आप लोग आगे खबरी देते हैं, मतलब जो न्यूज़ में आता है जो चैनल में आ जाता है. देन गुड इवनिंग टू ऑल माई टीम एंड देन स्पेशली आई थैंक्स टू मार्टिन सर एंड शंकर सर को. तो इसमें ऐसा इस एल्बम में ऐसा है, मतलब एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट है और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है उसमें पूरा एकदम दिखाया गया है, मतलब इस उम्र से बाद में इस उम्र में कैसा होता है ट्रांसफॉर्मेशन और इतना बढ़िया है. तो देखने के बाद आपको सबको पता ही चला है. देन आई एम ऑल्सो एक एक्टर भी हूँ एंड मैं भी एक प्लेबैक सिंगर हूँ, तो ये तो मेरा हॉबी है और ये मेरा हॉबी पूरा हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ. बस थैंक यू सो मच. नमस्कार, मेरा नाम पूजा सिंह है और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है सर के साथ और एक्चुअली हिंदी में भी. तो सर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके. और एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए सिंगर सर मैंने कभी एक्टिंग किया नहीं, कभी कुछ कभी सीखा नहीं, कभी सर. मेरे एक पीछे दोस्त बैठे हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और जो भी टीम थी उनसे सपोर्ट मिला और बहुत मजा आया काम करके. और मैं चाहती हूँ आगे भी हम सब साथ में काम करेंगे. अच्छा अरे एक मिनट, हाँ हमारे सॉरी एक मिनट, अच्छा अच्छा एक चेयर लगा दो ना. अरे नहीं मैंने नहीं, आजा आजा पीछे वो भाई खड़ा. हमारे खास से खास मतलब ही इनका जो वहाँ पर इतना बड़ा मीटिंग चल रहा था इजरायली डेलीगेशन का, वहाँ पर ये था इनकी काफ़ी बड़े इंडस्ट्रीज थे और लकीली हमारे दोस्त है, मतलब फास्ट फ्रेंड है, इनका सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इन्होंने सब कुछ किया है मेरे लिए, मतलब आने के बाद में कभी भी कोई भी चीज़ गाड़ी शूटिंग में देता हूँ कि बस क्या दो मर्सिडीज है उसी को यूज़ करता हूँ मैं. ऑडी है, फैमिली में बहुत गाड़ियाँ हैं, बाहर से लेने जाओ तो आपको पता है कैसे लगेगा, मतलब कितना एक्सपेंस आएगा. तो ये मतलब हमारा सब पूरा स्टूडियो यहीं पर है, मतलब जो करना है हम लोग मतलब